गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में अपने 7.2 के क्वेश्चन कर लिए थे, आज हम 7.3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें आता है सबसे पहले अस्पष्ट फलन का अवकलन। अस्पष्ट फलन का अवकलन पहले देखेंगे, अस्पष्ट फलन होता कौन सा है, क्या देखेंगे। सबसे पहले अस्पष्ट फलन हमारा होता क्या, यदि कोई समीकरण x और y के पदों में हो, या x यदि कोई समीकरण x और y के पदों में हो, यदि कोई समीकरण किसके पदों में हो, x और y, और ये समीकरण किसके x और y में एक ऐसा समीकरण होगा, सॉरी इस प्रकार से लिखो इसको, x और y के मध्य ऐसा समीकरण, x और y के मध्य ऐसा समीकरण, इस प्रकार से लिखोगे बिल्कुल, x और y के मध्य ऐसा समीकरण जिसमें x y और एक्स वाई के पद हो, किसके पद हो, एक्स वाई और एक्स वाई के पद हो, तो समीकरण को एक्स के पदों को वाई के रूप में और वाई को एक्स के रूप में व्यक्त न किया जा सके तो वो कौन सा फलन होगा, अस्पष्ट फलन होगा। तो वो कौन सा फलन होगा हमारा, अस्पष्ट फलन। क्या समझे, x और y के मध्य में समीकरण होगा जिसमें कौन से पद होंगे, एक्स वाई और एक्स वाई, तो x को y के पदों में और y को x के पदों में व्यक्त न किया जा सके, तो वो हमारा होगा अस्पष्ट फलन। अस्पष्ट फलन को किस प्रकार से आप सोल्व करोगे, देखो अस्पष्ट फलन से dy अपॉन dx आप ज्ञात करने के लिए, अस्पष्ट फलन से आप क्या ज्ञात करोगे, dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx ज्ञात करने के लिए आप उसके प्रत्येक पद का x के सापेक्ष अवकलन करोगे, प्रत्येक पद का x के सापेक्ष क्या करोगे, अवकलन करोगे। क्या समझे, dy अपॉन dx ज्ञात करने के लिए तो जो भी हमें इक्वेशन दी है उसके प्रत्येक पद का x के सापेक्ष अवकलन करोगे, फिर पक्षांतरण करके, पक्षांतरण का अर्थ समझते हो, पक्षांतरण यानी एक तरफ ले आओगे dy अपॉन dx की वैल्यू, पक्षांतरण करके dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करोगे, dy अपॉन dx वाली वैल्यू एक तरफ ले जाओगे, बाकी वैल्यू एक तरफ। देखो दोबारा, हमारा अस्पष्ट फलन क्या होता है, जब कोई समीकरण x और y के मध्य में कोई समीकरण है जिसमें किसके पद होंगे, x y और x y, अगर x y और x y आ गया तो आप समझ जाओगे भी ये हमारा कौन सा फलन है, अस्पष्ट फलन। फिर हमने इससे dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सारे का आप जो भी इक्वेशन दी है किसके सापेक्ष अवकलन करोगे, x के सापेक्ष अवकलन करके फिर पक्षांतरण विधि लगा के आप किसकी वैल्यू फाइंड करोगे, dy अपॉन में dx की। इस प्रकार से अस्पष्ट फलन का अवकलन करोगे। अब अस्पष्ट फलन के अवकलन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है हमारे, तो वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया, जैसे 2x प्लस 3y इक्वल में साइन वाई, 2x प्लस 3y इक्वल में साइन वाई, सिंपल क्वेश्चन है ये। तो देखो इसमें फर्स्ट का ये पार्ट, dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करनी है, उसने ये पहले ही बोल दिया है, फर्स्ट का ए पार्ट क्या दिया है इसमें, 2x
प्लस थ्री वाई इक्वल में साइन वाई, इक्वल में क्या आ गया साइन वाई। देखो 2x प्लस थ्री वाई इक्वल में साइन वाई, एक्स और वाई के मध्य पद देखे हैं, देख है एक्स वाई, यहां भी क्या आ गया वाई, ये कौन सा फलन है अस्पष्ट फलन। क्या बताया समीकरण का, इसको समीकरण एक देते हैं, समीकरण एक का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण एक का x के सापेक्ष क्या कर रहे हैं अवकलन, तो यहां से अवकलन करोगे इसका तो d ओवर डी एक्स 2x प्लस 3y इक्वल में d ओवर डी एक्स साइन वाई, डी ओवर डी एक्स साइन वाई, तो डी ओवर डी एक्स 2x प्लस डी ओवर डी एक्स 3y इक्वल में डी ओवर डी एक्स साइन वाई। अवकलन कर दो, यहां पर 2 अचर पद है तो ये आगे आ जाएगा, d ओवर डी एक्स, एक्स का अवकलन करेंगे कितना होता है एक, फिर प्लस 3 यहां पर अचर पद है तो आगे आ जाएगा, y का करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स साइन वाई, साइन एक्स का अवकलन हमें पता है क्या होता है d ओवर डी एक्स साइन एक्स, क्या होता है इसका अवकलन कोस एक्स, तो यहां पर y दिया है तो क्या हो जाएगा कोस y, y का वापिस करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स। अब क्या करा था पक्षांतरण करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू एक तरफ लेके आएंगे, बाकी वैल्यू एक तरफ 2 इंटू 1 ये तो 2 ही हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स वाली वैल्यू इस साइड लेके आते हैं तो 3 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस का कोस वाई डी वाई ओवर डी एक्स है तो माइनस कोस वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल में प्लस का 2 है उस साइड जाके माइनस का 2 तो ये कितने आगे माइनस के 2 तो डी वाई ओवर डी एक्स यहां से कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या रहेगा 3 माइनस कोस वाई इक्वल में माइनस के तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल में ये यहां पर गुणा में है 3 माइनस कोस वाई किस में चलेंगे डिवाइड में तो माइनस 2 अपॉन में 3 माइनस कोस वाई तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 2 अपॉन में 3 माइनस कोस वाई। और देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू ही इसमें फाइंड करनी है, सेकंड क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर बी पार्ट में इसकी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल में 200, इक्वल में क्या दिया है 200। तो देखो यहां पर फलन x और y के मध्य में ऐसा समीकरण जिसमें xy और xy के पद हों, xy और xy के पद हैं, x को y के रूप में व्यक्त नहीं किया जाता और y को x के रूप में व्यक्त नहीं किया जाता तो ये हमारा फलन कौन सा है अस्पष्ट फलन, कौन सा है अस्पष्ट फलन। अस्पष्ट फलन का आपने अवकलन करना है या डी वाई ओवर डी एक्स ज्ञात करना है तो क्या करना होता है एक्स के सापेक्ष अवकलन, क्या करना होता है एक्स के सापेक्ष अवकलन। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने के बाद पक्षांतरण विधि से डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू फाइंड करें तो समीकरण एक का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण एक का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर डी ओवर डी एक्स एक्स इंटू वाई प्लस डी ओवर डी एक्स वाई स्क्वायर डी ओवर डी एक्स 200।
देखो यहां पर x की स्केयर, तो यहां पर फॉर्मूले लिख देता हूं साथ साथ जो लग रहे हैं, d ओवर डी एक्स, एक्स की पावर n, क्या होता है n x की पावर n माइनस वन, n x की पावर n माइनस वन, तो n 2x की पावर 2 माइनस वन, एन की जगह पर यहां पर कितना दिया 2, फिर प्लस यहां पर आ गया u इंटू वी, तो d ओवर डी एक्स यू इंटू वी, तो u इंटू डी वी ओवर डी एक्स प्लस v इंटू डी यू ओवर डी एक्स, यू इंटू डी वी ओवर डी एक्स प्लस v इंटू डी यू ओवर डी एक्स, तो u ऐसे का ऐसे ही, अवकलन किसका हो जाएगा y का, फिर प्लस v ऐसे कैसे, y ऐसे कैसे, अवकलन किसका हो जाएगा x का, फिर प्लस x की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे, यहां पर x की जगह y दी है, तो 2y की पावर 2 माइनस वन डी ओवर डी एक्स, वापिस किसका अवकलन हो जाएगा y का, वापिस पहले घात का किया फिर अवकलन किसका करेंगे y का, यहां पर अचर पद है तो d ओवर डी एक्स अचर पद आ जाए, कॉन्स्टेंट वैल्यू आ जाए तो उसका अवकलन जीरो, तो इसका अवकलन कितना हो गया जीरो, तो कितना आ गया 2x की पावर 1 2x प्लस x dy ओवर dx प्लस y d ओवर dx, x का अवकलन 1 इंटू में 1 लगाने की जरूरत नहीं है, प्लस 2y dy ओवर dx इक्वल में जीरो, डी वाई ओवर डी एक्स एक साइड रख लेते हैं बाकी उस साइड, तो टू एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस टू वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल में प्लस का वाई है माइनस वाई, प्लस के टू एक्स है तो माइनस के टू एक्स, ठीक है जी। एक बार दोबारा देखते हैं, एक्स वाई और एक्स वाई के मध्य में समीकरण थी, ये पद दिए थे, तो यहां पर ये हमारा फलन कौन सा था, अस्पष्ट फलन, कौन सा फलन था अस्पष्ट फलन, अवकलन करेंगे एक्स स्क्वायर का करेंगे तो एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगाना है, एक्स वाई का करेंगे तो यू इंटू वी, वाई स्क्वायर का करेंगे तो पहले पावर का हो जाएगा फिर वाई का वापिस, फिर आगे 200 दिया है तो वो क्या हो गया हमारा अचर पद, और अचर पद का अवकलन कितना हो गया जीरो, फिर उसके बाद डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू एक साइड रखोगे बाकी वैल्यू एक साइड ले जाओ, आगे देखते हैं, तो देखो यहां से डी वाई ओवर डी एक्स मैं यहां से कॉमन ले लेता हूं, तो डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन लिया तो ब्रैकेट में यहां पर क्या रह गया अभी एक्स प्लस टू वाई, एक्स प्लस टू वाई, और इक्वल में माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या रह गया वाई प्लस टू एक्स, वाई प्लस टू एक्स, अब यहां पर ये मल्टीप्लाई में उधर किस में चलाएगा डिवाइड में, तो डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई प्लस टू एक्स अपॉन में एक्स प्लस 2y, यही इसका क्या है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट में दिया है रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल में रूट ए, सेकंड का ए पार्ट, रूट एक्स का अवकलन बताया हुआ है क्या होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, तो रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल में रूट ए, समीकरण का समीकरण एक का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण एक का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी ओवर डी एक्स रूट एक्स, डी ओवर डी एक्स रूट वाई, डी ओवर डी एक्स रूट ए, रूट एक्स का अवकलन आपको पता है डायरेक्ट 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, फिर प्लस
रूट एक्स से इसको मानेंगे रूट का करेंगे तो क्या आ जाएगा वन बाई टू रूट वाई, वापिस किसका हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, और रूट ए का अवकलन क्या हो जाएगा जीरो, रूट ए का अवकलन क्या हो जाएगा जीरो। तो यहां से वन बाई टू रूट एक्स है उस साइड ले जाता हूं मैं, तो वन बाई टू रूट वाई डी वाई ओवर डी एक्स, या देखो यहां से कॉमन भी ले सकते हैं ना वन बाई टू, चलो पढ़ा रहे हैं तो एक बार इसको ऐसे लिख लेते हैं वन बाई टू रूट वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस का वन बाई टू रूट एक्स है इस साइड जाके माइनस का वन बाई टू रूट एक्स। तो यहां से डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल में ये यहां पर भाग में या उधर गुणा में चली गई तो माइनस टू रूट वाई अपॉन में टू रूट एक्स, टू से टू कैंसल तो डी वाई ओवर डी एक्स माइनस रूट वाई अपॉन में एक्स, तो माइनस रूट वाई अपॉन में एक्स, ये इसका क्या होगा आंसर। नेक्स्ट इसका जो बी पार्ट है सिंपल क्वेश्चन है, टेन एक्स प्लस वाई प्लस टेन एक्स माइनस वाई इक्वल में फोर, टेन एक्स प्लस वाई प्लस टेन एक्स माइनस वाई इक्वल में फोर। तो देखो यहां पर यही दिया क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है कोई दिक्कत नहीं है, अवकलन नहीं करोगे एक्स के सापेक्ष, तो यहां पर टेन थीटा sec square थीटा यानी sec square x plus y, फिर x plus y का वापस करोगे तो x का तो वन हो जाएगा प्लस में y का dy ओवर dx, इसी प्रकार से इसका उसके बाद पक्षांतरण करोगे, तो ये इसका सेकंड पार्ट आप स्वयं करोगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी जो भी डाउट है आप अपने मैसेज करके क्लियर करोगे, बाकी इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर।